होली के कारण 6 दिनों बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को फिर शुरू हो गया। सदन में सबसे पहले दिवंगत सांसद सोहन पोटाई को सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी। उसके बाद आरक्षण विधेयक पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ, जिससे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र के 6वें दिन सदन में कोंडागांव में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग में जिला निर्माण समिति के तहत कराए गए कार्यों में गड़बड़ी के मुद्दे को प्रश्नकाल के दौरान उठाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने डीएमएफ के पैसे के बंदरबांट का आरोप लगाते हुए विधानसभा की समिति से जांच कराने की मांग की। जैसा जुझारू नेता मिलना मुश्किल है। वे एक संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी थे, जुझारू थे और जब तक रहे वो सक्रिय रहे। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारजनों को और स्नेहीजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। मोहन सिंह मरकाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धे सोहन पोटाई जी का जाना बस्तर के लिए, आदिवासी समाज के लिए अपूर्ण क्षति है। जब तक जिए एक शेर की तरह जिए, बस्तर के विकास के लिए, आदिवासी समाज के विकास के लिए, प्रगति के लिए लगातार लड़ते रहे। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने एक पोस्टमैन की नौकरी से शुरुआत की। उस समय हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, जब उनसे हम मिलते थे, हम लोग भी स्टूडेंट थे तो मिलते थे। उनके मन में हमेशा ये रहती कि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ, सांसद बनना चाहता हूँ और बस्तर के विकास के लिए, बस्तर की आवाज मैं दिल्ली में बनना चाहता हूँ। 4 बार के सांसद रहे और सांसद कार्यकाल में भी हमेशा अपनी बात प्रमुखता से संसद में रखते थे माननीय अध्यक्ष जी। और कहीं ना कहीं उनका जाना आज हमें लगता है, आज उनकी कमी महसूस होती है। वे सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे माननीय अध्यक्ष जी, और हमेशा आदिवासी समाज के हक और अधिकार की बात हमेशा करते रहे, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, या बस्तर के जल जंगल जमीन के मुद्दे हो, या वन अधिकार पट्टे की बात हो, या जो भी मुद्दे हो, जल जंगल जमीन जो अक्सर कहा जाता है, तो आवाज बनकर रहते। तो सोहन पोटाई जी हमेशा आदिवासी समाज के प्रेरणा रहे हैं और आगे भी रहे। उनका जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति है। मैं अपने दल की ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। इस दुख की घड़ी में परिवार जनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सोहन पोटाई जी एक बस्तर की बुलंद आवाज थे। अगर बस्तर के नेताओं में हम नाम लें तो बलिराम कश्यप जी के बाद बस्तर के मुद्दों को उठाने वाले कोई व्यक्तित्व थे तो सोहन पोटाई जी थे। हमारे मित्र थे, मेरे तो पारिवारिक सदस्य जैसे थे। उन्होंने एक बार विधायक का चुनाव भी लड़ा, परंतु उसमें सफल। जो बस्तर की आवाज बनकर उद्घाटन नहीं कर सकते थे, वो दोनों जगह लटक गए बेचारे, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। हमारे पास सही खबर तो रहता नहीं। एक तो चलिए प्रश्न काल है उपाध्यक्ष जी, और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को 2 बार बेचारे बोले उसको विलोपित कर दीजिए। एक तो बेचारे नहीं है, समझ लो ना, हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय। अरे भैया, आपको दूसरों के घर की चिंता क्यों रहती है, अपनी चिंता कर लो ना। 15 साल में 15, और अब कितने आजकल आपको भारी उत्तेजना हो रही है। चलिए प्रश्न काल है माननीय मंत्री जी। नेता प्रतिनिधिता मानते हो नहीं। चलिए मंत्री जी। उपाध्यक्ष जी, आदरणीय मोहन मरकाम जी ने जो पूछा है
उन्होंने आरएस डिपार्टमेंट को कार्य आवंटन के बारे में पूछा है। नोडल एजेंसी के रूप में दो एजेंसी एक साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो नक्सली क्षेत्र है और शासन का ये आदेश है कि इसके लिए जिला निर्माण समिति का गठन किया जाएगा। आदेश की कॉपी भी मैंने आपके उत्तर में लगा हुआ है। तो जिला निर्माण समिति के द्वारा, और ये भी अधिकार है कि कलेक्टर जो है वो नोडल अधिकारी अध्यक्ष के रूप में या समिति के रूप में नामजद कर सकता है, तो आरएस के ई को किया हुआ है। आपने प्रश्न किया है नोडल आरएस को नोडल विभाग के रूप में काम दिया गया है क्या, इसलिए निरंग बताया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी 424 काम जिस अवधि का आपने पूछा है, 3 साल का, आपके कोंडागांव में हुआ है लगभग 69 करोड़ रुपए का, और ये इसमें लगभग 340 भवनों का काम है और 84 सामग्री क्रय विभिन्न प्रकार के काम है। इस प्रकार के काम वहाँ संपादित किए गए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। आरएस निर्माण एजेंसी है, भवन बनाती है, ये करके लगभग 7 करोड़ से अधिक राशि वो सप्लाई का काम, मतलब आरएस कब से सप्लाई का भी काम करने लग गई है, मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि कब से सप्लाई का काम, सरकार में सब संभव है, मतलब कब से सप्लाई का काम कर रही है। निर्माण एजेंसी आरएस है वहां तक तो ठीक है, मगर वो सप्लाई का भी काम मतलब आरएस भी करने लगी, मैं वही जानना चाहता हूँ। भूपेश है तो भरोसा है। अच्छा लगा अजय जी ने नारा लगाया भूपेश है तो भरोसा है, मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, ये पूरा प्रदेश की जनता का है। आपने प्रश्न किया विभाग कब से सप्लाई कर रही है, मैंने फिर से कहा दो एजेंसी एक साथ काम में, वहाँ निर्माण समिति ही नोडल एजेंसी है जिसके भार साधक के रूप में आरएस के ई को दिया गया, उसके द्वारा ये कार्य कराया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोंडागांव के पद पर किस अधिकारी को पदस्थ किया गया है? उक्त अधिकारी को क्या किसी अन्य विभाग का भी प्रभार दिया गया है? यदि हाँ तो वर्तमान में किन किन विभागों का प्रभार उक्त अधिकारी के पास है? अधिकारी का मूल पदस्थापना विभाग कौन सा है? उक्त अधिकारी कोंडागांव जिले में कितने वर्षों से है? क्योंकि वही 5-6 मतलब विभागों का संभाल रहा है, जो बातें आ रही माननीय उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष जी, ये काम के सिलसिले का प्रश्न था, कौन कौन अधिकारी कितने कितने पद में है, मैं जानकारी आपको उपलब्ध करा दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कोंडागांव में आप भी उसी जिले से आते हैं, उसी जिले से आ रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डीएमएफ राशि का जो जिस ढंग से बंदरबांट हुआ है, लगभग 7 करोड़ रुपया कागजों में मतलब जो सप्लाई का काम किया गया है, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, आप नाम उसका उजागर क्यों नहीं करना नहीं चाहते, और क्या उजागर करना क्यों नहीं चाहते, और किस किस विभाग में वो व्यक्ति पदस्थ है, और वही व्यक्ति हर काम कैसे देख रहा है, और सबसे बड़ी बात, आप आरएस को निर्माण एजेंसी का काम देते हैं, निर्माण का काम देते हैं, वो सप्लाई का भी काम कर रहा है, अन्य काम भी कर रहा है, तो क्या इसको विधानसभा की समिति से जांच कराएंगे और दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही करेंगे क्या? मेरा सीधा सीधा आरोप है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 7 करोड़ रुपए जो डीएमएफ का पैसे का इन्होंने बंदर बांट किया है, इसकी विधानसभा से जांच कराएंगे क्या? 30 करोड़ है आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है, आपको तत्काल यही घोषणा करना चाहिए। हाँ, क्या पत्र देना चाहिए? आ रहा है मंत्री जी का, आप लोग बाहर एक आदमी खड़े होकर बोल सकते हैं। सौरभ भाई, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भरोसा नहीं है। चलिए मंत्री जी, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप लोग सामने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय, और पूरे प्रदेश में डीएमएफ फंड का जिस तरीके से बंदरबांट हो रहा है, लूट हो रहा है, कमीशन खोरी हो रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय और माननीय मोहन मरकाम जी ने जो प्रश्न उठाया है, इस पर तत्काल सदन की जांच कमेटी से जांच होना चाहिए, आज कमेटी गठित करने का आदेश दे दे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,
बोलिए। डीएमएफ फंड का पैसा का पता अभी तो चल रहा है, लेकिन 15 साल तक डीएमएफ फंड का पैसा कहाँ गया, आज तक किसी का पता नहीं चला है। कितने घंटे, नहीं नहीं मैं सच बात बोल रहा हूँ। आप चलिए वोरा साहब, आने दीजिए उत्तर, आपका बात आगे है, चलिए आप बताइए। उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रश्न लगाया, मामला बड़ा गंभीर है। हम तो अपने अध्यक्ष जी को धन्यवाद भी देंगे, गंभीर मामला को उन्होंने उठाया है। और हमने कहा ना कि जो कार्य हुए हैं उसकी जानकारी आपको दे दिया गया है। माननीय मोहन मरकाम भाई साहब ने जो पूछा है, क्रय विभाग के द्वारा, माननीय उपाध्यक्ष जी फिर से कह रहा हूं, निर्माण समिति के द्वारा किया जाए। नंबर एक की बात की है, सदन पूरा उत्तर आने दीजिए, उत्तर आने दीजिए। दूसरा, आदरणीय मरकाम साहब ने पूछा है कि वहां कौन अधिकारी है, अरुण कुमार शर्मा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। सत्यनारायण शर्मा नहीं बोला, आप क्यों चौंक रहे? अरुण कुमार इधर भी बैठे हैं। शर्मा अरुण कुमार शर्मा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आपने कहा कौन कौन से पद में है, ये आरईएस के भी प्रभार में है और पीएमजीएसवाई के प्रभार में। चलिए नारायण चंदेल जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय अंतिम मतलब, लगभग मैंने सीधा आरोप लगाया, लगभग 7 करोड़ रुपए का जो सप्लाई हुआ है उसमें बहुत ज्यादा बंदरबांट हुआ है। क्या उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? चलिए अग्रवाल साहब, आप आ जाइए, एक मिनट आ जाइए, जांच आ रहा है, एक साथ उत्तर दे देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जांच कराएंगे क्या? सही से कमेटी के, विधानसभा की कमेटी से जांच कराएंगे क्या? और दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? ये दोनों मोहन मरकाम जी और मोहन जी दोनों का एक साथ दे देंगे आप। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो निर्माण एजेंसी है, क्या निर्माण एजेंसी को क्रय करने का अधिकार भी है क्या? सप्लाई क्रय करने का अधिकार भी है क्या? और अगर उसको अधिकार है तो माननीय सदस्य जिस बात को कह रहे हैं कि 7 करोड़ रुपए का बंदर बांट हुआ है, तो क्या मंत्री जी उसकी जांच करवाएंगे क्या? ब्रिजमोहन जी के पहले प्रश्न का अधिकार है, जी हाँ अधिकार है, क्योंकि ये आप ही के समय का ये निर्देश है, मैं पढ़ के उसको पूरा नहीं सुनाऊंगा, उसको अधिकार है। और कलेक्टर को ये अधिकार है कि जिसको भी वो नोडल बनाना चाहे वो बनाए, उसी के तहत ये आदेश हुआ है। नंबर एक। नंबर दो, आदरणीय मरकाम साहब कह रहे हैं कि पूरा 7 करोड़ का बंदर बांट हुआ है। अध्यक्ष जी, अगर ऐसी स्थिति है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि पूरा 7 करोड़ के इस तरीके से बंदर बांट हुआ होगा, लेकिन हमारे जिम्मेदारी से प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रश्न किया है, इसकी जांच कराना है, तो मैं यहाँ राज्य स्तर के अधिकारी भेज करके इसकी जांच करा लूंगा।